ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप भी नौकरी खोज रहे हैं और परेशान हैं, आप इंटरव्यू दे के आते हैं और आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता, आप पेपर दे के आते हैं आपका पेपर अच्छा नहीं होता, बहुत ही सुंदर सा उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया है, उसी को यहाँ पर विस्तार से बताने जा रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कहूँगा, ये एक नया चैनल आप सभी के लिए बनाया गया है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप महादेव के भक्त हैं तो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहला काम करना क्या है, आपको लेना है बेल पत्री। कितनी बेल पत्री लेनी है, एक ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, पाँच ले सकते हैं, सात ले सकते हैं, या नौ ले सकते हैं, या ग्यारह ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो, जो भी बेलपत्री आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको बेलपत्री ले लेनी है। अब ध्यान से सुनना करना क्या है, देखो, अब यहाँ पर आपके सामने एक फ़ोटो दिख रही होगी, ये मैंने अपने हाथ में फ़ोटो में पकड़ रखा है एक पत्ती को, ये बेल पत्ती नहीं है, बेल पत्ती मेरे पास था नहीं तो मैंने एक पत्ती लेकर के आपको समझाने के लिए इसे पकड़ा है आपको। तो अब देखो आपको करना क्या है, जो बीच वाला पार्ट होता है ना बेलपत्री का, ये वाला बीच वाला, इस तरीके से आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। जैसे मैंने उंगली में फंसा रखा है इस वाले में, इस तरीके से आपको ही फंसाना है। ऐसी तो होती है बेलपत्री, इधर से एक निकला हुआ होता है और इधर से एक निकला हुआ होता है, इसी तरीके से होती है बेलपत्री। तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, इस तरीके से आपको अंगूठे और इस वाली उंगली में फंसाना है, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ये जो बीच वाली पत्ती है ना, इसमें आपको लगाना है शहद। क्या लगाना है, शहद लगाना है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जितने भी लोग सेशन को देख रहे हो और सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ये नया चैनल है तो आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इस बीच वाले जो पत्ती है, इस पर आपको शहद लगाना है। शहद लगा के करना क्या है, आपको जाना है महादेव के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में, और वहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो चिपका हुआ है ना इस तरीके से शहद वाला बेलपत्री, इसी तरीके से आपको भी वहाँ जाकर चिपका देना है। आप एक लेते हैं तो एक चिपकाएं, दो लेते हैं, तीन लेते हैं तीन चिपकाएं, पाँच लेते हैं पाँच, इस तरीके से इनके पूरे जो है शिवलिंग पर आपको चिपका देना है। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि हम किसका नाम लेके चढ़ाएं, जब भी आप ये बेलपत्री चिपकाएं, कुंद केश्वर महादेव, एक बार और बोलता हूँ, कुंद केश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका, कुंद केश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपकी जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो भी पेपर देने जा रहे हैं, उसका स्मरण करते हुए और वो बेलपत्री यहाँ पर आपको चिपका देनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में होगा कि ये बता दीजिए कि इसको करना कब है। देखो जब भी कभी भी भोले बाबा का कोई भी उपाय करना होता है तो आप सोमवार के दिन किया करिए। कब करना है, सोमवार के दिन कर लीजिएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में, कब करना है, सुबह करना, शाम में करना, कभी भी जब आप जाएं तो अगर आपके पास टाइम है शाम के टाइम में, तो हमेशा प्रदोष काल में ऐसे सारे उपाय को किया करिए, ठीक है। प्रदोष काल कौन सा होता है, मैंने बहुत ही अच्छी सी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है, आप देख लेना, ठीक है। ये आप सोमवार को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं सोमवार के दिन। तो एक बहुत ही छोटा सा उपाय था, मैंने बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी ज़रूर आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमेशा की तरह आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी आवाज़ आप इस चैनल पर पहली बार सुन रहे होंगे तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।